कुछ लोगों के दिमाग में पहलवानों की तस्वीर कुछ इस तरह से बनी हुई है। वो सब सोचते हैं कि पहलवानों का पेट बड़ा होता है, उनकी बॉडी पर एक्स्ट्रा फालतू का फैट होता है और उनके सिक्स पैक नहीं होते। कुछ इस तरह से लोग पहलवानों के बारे में सोचते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप बड़े पेट वाले पहलवान देखते हो, इनकी एज, इनकी उम्र 30-40 से ज़्यादा होती है। अगर आप पहलवानों जैसी बॉडी बनाना चाहते हो और आपकी उम्र 18 से 30 के बीच में है, तो भाई आपका पेट बड़ा नहीं हो सकता, ना ही फालतू का फैट आपकी बॉडी पर आएगा। बिल्कुल पहलवानों की जो बेस्ट बॉडी होती है, वैसी बॉडी आप बना सकते हो। कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि पहलवान फॉलो करते हैं। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप पहलवानों जैसी भारी मसल्स वाली बॉडी बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है मसाज। इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो भाई करना सिर्फ इतना है, जो भी वर्कआउट आप करना चाहते हो या फिर शुरू करोगे या फिर करते आ रहे हो पहले से, उस वर्कआउट से पहले आप पहलवानों की तरह जिस तरह पहलवान करते हैं, आपको सरसों का तेल लेना है, गर्म करना है, उसमें एक चम्मच देसी घी का डालना है और वर्कआउट से पहले आपको मसाज करनी है अपनी फुल बॉडी पर। इससे एक तो आपका आलस टूट जाएगा वर्कआउट से पहले, अगर आप ये करोगे अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे, आपका आलस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मसल्स मजबूत होगी, हड्डी भी मजबूत होगी और आपके मसल्स एक्टिवेट होगी और कोई इंजरी नहीं होगी, शरीर में शक्ति का विकास होगा और कमजोरी फील नहीं होगी। जड़ी बूटियाँ, मैंने आपको पहले ही बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि रात को और सुबह जो आप दूध पीते हो उसमें जड़ी बूटियाँ मिलाकर पिया करो, जैसे कि सतावर, अश्वगंधा, कोंच के बीज, सफ़ेद मूसली, क्योंकि इन सब से आपकी बॉडी की ग्रोथ में रिजल्ट जल्दी मिलता है, आपके हार्मोन्स बढ़ते हैं और अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, मसल्स गेन करना चाहते हो, वो भी आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके लिए आप ले सकते हो वेदर श्योर का हर्बोगेनर, जिसमें आपको अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, सिंघारा, कुछ ऐसी शक्तिशाली जड़ी बूटियाँ एक साथ मिल जाएंगी जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करती हैं। ये आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा, साथ में आपको कैप्सूल फॉर्म में भी आपको ये मिल जाएगा और ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है। ये एक कोर्स की तरह है, जो आपको साथ में आपको जो कैप्सूल मिलेंगे वो आपकी मसल्स को गेन करेंगे, स्टेमिना बूस्ट करेंगे, डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे और जो पाउडर है वो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बढ़ाएगा, जिससे आपको कोई भी टारगेट है बॉडी बनाने का, जैसे कि मसल्स ग्रोथ करने का, स्टेमिना गेन करने का, वेट गेन करने का, वो सब का रिजल्ट आपको नेचुरली फास्ट मिलेगा। इसको आप सुबह शाम खाने के बाद दूध के साथ लेना है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। ट्रेनिंग, देखो पहलवानों की तरह बिल्कुल उन जैसी ट्रेनिंग तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप देसी दंड लगा सकते हो जो कि पहलवान लगाते हैं। अगर जिम करते हो तो जिम से पहले 30 मिनट निकाल कर आप सपाटे लगा सकते हो, साधारण दंड लगा सकते हो, अपने मसल्स के हिसाब से हर मसल्स का हर एक दंड है। जिस दिन आपका चेस्ट का वर्कआउट है उस दिन आप साधारण दंड लगाओ, जिस दिन आपको बैक मसल्स का लगाना है उस दिन आप हिंदू दंड लगाओ, राममूर्ति दंड लगाओ, तो इस तरह हर मसल्स के हिसाब से दंड लगाओ देसी। और अगर आप सिर्फ होम वर्कआउट करते हो, दंड लगाते हो, तो आप हर रोज़ बदल बदल कर दंड लगाओ। और हाँ, दंड से बॉडी तब बनती है जब आप दिन में कम से कम 500 से अधिक दंड लगा पाओगे, वो चाहे आप 10-10 के सेट लगा पाओ, चाहे 20-20 के। और हाँ, 30-20-30-50-100 दंड लगाने से बॉडी में ताकत नहीं आती, बॉडी नहीं बनती, आपको दंड बढ़ाने होंगे। अपने जो भी आप दंड लगाते हो, देसी दंड लगाते हो, वो उनकी संख्या आपको बढ़ानी होगी, कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से ऊपर, तब जाकर आपकी बॉडी बनती है, ठीक है। तो भाई इसके लिए आपको चाहिए, दंडों की संख्या बढ़ाने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए ताकत, और ताकत सिर्फ एक ही तरीके से बढ़ पाती है, जो कि मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा। ब्रह्मचर्य, इसको लोग नोफैप भी बोलते हैं। आज के समय में इसके बिना कुछ नहीं है। दिमाग से पावरफुल बनना चाहते हो तब भी इसको फॉलो करना पड़ता है, और शरीर से बनना चाहते हो तब तो फॉलो करना ही पड़ता है। जिस तरह इसका पालन आप करते जाओगे उसी हिसाब से आपके अंदर शक्ति बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही शक्ति बढ़ेगी वैसे ही आपका वर्कआउट बढ़ता चला जाएगा, आपके दंडों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और फिर जाकर आपकी एक बढ़िया शक्तिशाली बॉडी तैयार हो जाएगी। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहलवान भी इसका पालन करते हैं। खुराक, पहलवानों की जो खुराक होती है वो कभी गिनकर नहीं खाते, जैसे कि हम तो गिनकर खाते हैं कि सुबह इतना दूध, शाम को इतना दूध, ऐसे इतनी मूँगफलियाँ खानी है, इतना चना खाना है, हम गिनकर खाते हैं। दूसरी चीज़, फास्ट फूड को छोड़कर वो परहेज नहीं करते किसी भी चीज़ से। ऐसे ही आपको करना है, अनलिमिटेड आपको खाना है और अनलिमिटेड आपको वर्कआउट करना है। जैसे कि आपको देसी घी से परहेज नहीं करना, शुगर दबाकर खाना है आपको, देसी घी की जलेबी, आपको 10 दिन चूरमा आप खाकर देखो, देसी घी का जो चूरमा होता है वो आप 10 दिन खाकर देखो, फिर देखना आपकी बॉडी कहाँ से कहाँ जाती है। तो इस तरह जो भी खाना है दबाकर खाना है। अब जैसे कि बादाम पहलवान 10-20 नहीं खाते, वो सीधा 100 बादामों का रगड़ा बनाकर पीते हैं। वो 2-3 केले नहीं खाते, वो सीधा 6-7 केलों का शेक बनाकर पीते हैं। सब्जी भरपूर मात्रा में खाते हैं, 1-1 चम्मच नहीं खाते हमारी तरह। तो इस तरह आपको खाना पड़ेगा, फिर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।
और हाँ, जो हर्बो गेनर मैंने आपको बताया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसको बाय कर सकते हो। बाकी अगली वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।